खातून से दस्तराजी का इल्ज़ाम, पीटीआई रुकन सिंध असम्बली शबीर कुरैशी गिरफ्तार। खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया, ये बताना है पुलिस का। पुलिस मुस्तैद पर उतर आई, शबीर कुरैशी को रिहा किया जाए, हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया है। खातून से दस्तराजी का इल्ज़ाम और पीटीआई रुकन सिंध असम्बली शबीर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पुलिस का बताना है कि खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया, हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया। पुलिस मुस्तैद पर उतर आई, शबीर कुरैशी को रिहा किया जाए। तो पुलिस का बताना है खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब बुखारी से। जी शुएब, बताएगा पुलिस क्या बताती है। बुखारी से भी तफसीलात लेंगे। आपको बता चलें खातून से दस्तराजी का ये इल्ज़ाम और पीटीआई रुकन सिंध असम्बली शबीर कुरैशी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का बताना है खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया पुलिस मुस्तैद पर उतर आई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शुएब बुखारी से। जी शुएब, बताएगा। जो पीटीआई के रुकन असेंबली शबीर कुरैशी की गिरफ्तारी का ही मामला है, जबकि रुकन सिंध असेंबली शबीर कुरैशी को जो है वो साइड भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सुकाम का बताना है कि शबीर कुरैशी के खिलाफ साइड भी थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। ताहम एक खातून ने शबीर कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि सुकाम का ये भी बताना है कि खातून ने इल्जाम लगाया कि शबीर कुरैशी ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाया था, जिसके बाद लाने के फौरन बाद उन खातून से रुकन असेंबली ने दस्तानंदाजी की थी, जिसपे मुकदमे के इंदराज के बाद जो वो शबीर कुरैशी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उनको मजीद जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया शुएब, आपने अपडेट किया।